हाथरस में हुई वारदात ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक पिता की हत्या कर दी गई। अब वही पीड़िता इस वक्त हमारे साथ हैं जिनके पिता की हत्या कर दी गई थी। मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। मैं आपका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको एक काल्पनिक नाम तेजस्विनी देना चाहूंगा और आपसे ये अब मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या हुआ कि आपके पिता की हत्या कर दी गई। तो ये तब से दबाव बना रहा था कि केस वापस लेने के लिए, तो मैंने भी मना किया, मुझे नहीं केस वापस लेना। पापा ने भी मना किया, नहीं हमें नहीं लेना केस वापस। हमने केस वापस नहीं लिया था। उसके बाद फिर कल मैं और मेरी सिस्टर गए थे माता पे जल चढ़ाने के लिए। तो इसकी वहाँ वाइफ और इसकी मौसी, मौसी का लड़का और चाचा का लड़का पहले से ही मौजूद थे। तो ये हमें देख के फिर वहीं पे और रुक गए ये लोग। फिर उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर से कहा चल हम पूजा करके हम चलते हैं, ये लोग तो यहाँ रुकेंगे फालतू में। तो मैं और लड़की, मैं और मेरी सिस्टर जो है वो आ गए वहाँ से। हम अपनी 12 पे रुक गए फिर खेतों पे। उसके बाद वही पापा का काम चल ही रहा था आलू खोदने का। तो वो लोग वहाँ से आए, फिर हमारी 12 पे होके निकल रहे थे। तो उसकी जो वाइफ है पहले से बच्चे कर रही थी, माता पे भी कमेंट बाजी पास कर रही थी। उसके बाद तब भी वहाँ से गाली गलौज करती हुई बदतमीजी। मैंने बोला अच्छा तबीयत मेरे थोड़ा सा लिमिट में, बस मैंने इतना बोला। उसकी मौसी थी मेरे को चेहरे मेरे पास आ गई, तमीज में है आवाज़ नहीं है, हमको गाली देने लगी, मुझे गाली देने लगी। तो यानी कि आप ही कह रहे हैं कि आप लोगों पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि जो केस 2018 में आप दर्ज कराया गया था आपकी ओर से छेड़छाड़ का, उसको वापस लेने का ये लोग जो आरोपी हैं दबाव बना रहे थे। तो इससे तो उसने मेरे पास घुमाया है। इससे पहले भी कभी मतलब इस तरह से धमकाया या फिर हथियार वगैरह दिखाकर डराने की कोशिश आपको की गई? आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी सुन पा रही हूँ जी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्या इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ कि डराने धमकाने की आपको कोशिश की गई हो या हथियार वगैरह दिखाकर आपको दबाव में लेने की कोशिश की गई हो आरोपी पक्ष की ओर से? इसने एक बार और मेरी गाड़ी रोकी अपनी, तब मेरे पापा जान करके वहां से भाग आए थे। तब हमने एक लिखी थी पुलिस को। तो क्या? उसके बाद फिर ये इसने कुछ नहीं किया, सिर्फ खेतों पे आता था, गाड़ी रोकता था लेकिन इसने गन वन कुछ नहीं निकाली। फिर उसके बाद ये शांत पड़ गया। कल फिर जब इसकी वाइफ से और इसकी जो मौसी से हुआ है, उसके बाद उन लोगों ने फोन करके उसे बोला है। उसका फिर मेरे पापा के पास भी फोन आया, पापा को बोला मैं एक घंटे में आ रहा हूँ, मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उसके बाद मेरे पापा से बात हुई तो पापा ने बताया हाँ उसका फोन तो आया था, धमकी दे रहा था, लेकिन तुम लोग अपना गेट वेट बंद कर लेना और घर से मत निकलना, मैं यहाँ काम करवा रहा हूँ। उसके बाद फिर मैंने दीवान जी को कॉल किया, धर्मेंद्र दीवान जी को, तो और मैंने उनसे कहा अंकल जी प्लीज आ जाइए, वो एक घंटे की धमकी दे रहा है और एक घंटे में आ जाएगा। तो उन्होंने मुझसे कहा हम मेरी गाड़ी लेट हो जाएगी तो आप 112 पे कॉल कर देना, वो जल्दी गाड़ी पहुंच जाएगी आपकी। मैं कहा ठीक है। उसके बाद फिर ये मैंने 12:30 बजे की समथिंग कॉल की थी उनके पास। उसके बाद 3:30 बजे की समथिंग मैं और मम्मी गए वहाँ पापा को खाना देने के लिए। तो उसके बाद हम वहाँ थोड़े से बैठे ही हैं, तभी वो हमें वहाँ से आता हुआ दिखा है, गाड़ी उसने वहीं दूर खड़ी कर दी थी और वहाँ से वो आ रहा था 5-6 बंदों को लेके साथ में और गन थी उसके। तो मेरे पापा को आते ही बोलता है तो तुझसे मैंने बोला था कि तू केस वापस ले ले, तूने नहीं लिया, ऐसी बहस करते करते उसने फायरिंग करना स्टार्ट कर दी। वहाँ जो लेबर काम कर रही थी उसे धमकाया, वो सारी भाग गई लेबर, उन पर भी फायरिंग सी की उसने और मेरे पापा को फिर पेट में गोली मारी है। मेरे पापा गिर गए थे फिर
और मेरे पापा को फिर यहाँ भी यहाँ गोली मारी थी, फिर उन्होंने मम्मी को भी गोली मारी थी, मम्मी गिर गई थी, मम्मी के ऊपर होके गोली निकल गई थी, मुझे नहीं मार पाया वो। और फिर पापा को, पापा से ही वो लोग लग गए, पापा के सिर में गोली मारी जब तक पापा जिंदे थे, लेकिन सिर में मारी तब फिर पापा में कुछ नहीं, एकदम से पापा खत्म हो गए, कुछ नहीं बचा। देखिए आप, अपनी आंखों से मैंने ये सीन देखा है, अपनी आंखों से। आप देखिए खुद को संभालिए, आपका दुख बहुत बड़ा है और हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते कि आप इस वक्त किस परिस्थिति से गुजर रही होंगी, लेकिन हम भी चाहते हैं कि जो आपके पिता के दोषी हैं, जो आपके परिवार के दोषी हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिले। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसा कि आपने बताया कि वो वहाँ पर आया हथियारों से लैस होकर आया, उसने धमकी दी एक घंटा पहले कि मैं आ रहा हूँ, और वहाँ बहुत सारे लोग भी थे जो उसको देखकर भाग खड़े हुए, तो क्या वो मतलब इसी प्रवृत्ति का शख्स है, क्या इलाके का दबंग है, या कोई उसको संरक्षण है हासिल वहाँ से? वो एक नंबर का आतंकवादी है सर, वो एक नंबर का आतंकवादी है, गुंडा है, एक नंबर का क्रिमिनल है सर, वो एक नंबर का आतंकवादी है, वो कुछ भी कर सकता है सर। और उसके ऊपर वो ऐसे ही नहीं मार देता मेरे पापा को गोली, उसके ऊपर हाथ है नेताओं का, उसने तब उसकी हिम्मत हुई है, वो पहले भी धमकी देता मेरा तो कोई कुछ नहीं कर लेगा, मेरे ऊपर ये है, मेरे ऊपर वो है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, समाजवादी पार्टी से वो जुड़ा हुआ है। तो क्या इस तरह से भी धमकाता था वो आपको कि मेरे चेक कर सकते हो? क्या ऐसे भी धमकाया करता था कि राजनीतिक संपर्क है मेरे? हाँ, ऐसे भी धमकाया उसने, मेरी बड़ो बड़ो से ये जान पहचान है, ये वो, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बहुत सारी धमकी देता था। और हमें लगता भी था क्योंकि फोटो वोटो डालता था उनके साथ में, हम डर के रहते थे सर। तो क्या पुलिस से कभी आप लोगों ने इसकी शिकायत नहीं की? क्योंकि 2018 में आप लोगों ने केस दर्ज कराया था, उसके बाद ये जेल चला गया था, उसके बाद भी आकर आपको धमकाता था, आप लोग पुलिस में शिकायत नहीं की कि धमकाता है? उसके बाद सिर्फ एक बार इसने धमकाया था, मतलब जब पापा के पीछे भागा था तब हमने कंप्लेंट दर्ज कराई थी इसके खिलाफ, मैं और पापा गए थे थाने में जी। तो कंप्लेंट उसका फिर कुछ हुआ नहीं, फिर उसने धमकाना भी बंद कर दिया, उसके बाद इसने भी कोई एक्शन नहीं लिया, सिर्फ गाड़ी लेके आता था, सिर्फ गाड़ी रोकता था वहीं पे खेत पे, फिर चला जाता था, कुछ भी नहीं करता था ये। इसने फिर कल ये सब किया है। तो अब आपको या आपके परिवार को अब इससे कुछ डर है किसी भी तरीके का, या इसके परिवार से किसी तरह का डर है? क्या इनके परिवार की तरफ से भी आपको धमकी दी जाती है? अभी तो हमें डर है सर, इसकी तरफ से कुछ भी कर सकता है सर, अभी तो इसका पता भी नहीं पड़ा, पता नहीं क्या। प्लीज इसे, प्लीज ऐसे ढूंढवाओ, प्लीज मेरी प्रार्थना है आपसे, प्लीज इसे निकलवाओ, इसे मौत दो प्लीज, फांसी चाहिए बस सबको जिन्होंने मेरे पापा को गोली मारी है। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे मौत चाहिए सबकी प्लीज। देखिए पुलिस लगी हुई है और इसके साथ जो एक शख्स है उसको भी गिरफ्तार किया है, और पुलिस दावा भी कर रही है कि बहुत जल्दी इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन एक चीज बताइए कि वहाँ पर इतने सारे लोग थे, किसी ने भी इसको रोकने की कोशिश नहीं की वहाँ पर? इसको ढूंढो जल्दी, इसने सबको धमका दिया था, इसने पहले तो लेबर पे फायरिंग की थी इसने, वहाँ जो काम कर रहे थे सब लोग, उनसे बोलता है कि सब भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो सबको गोली मार दूंगा, सारे भाग गए वहाँ से, सब ट्रैक्टर वैक्टर लेके, सब वो ट्रैक्टर वाला लेके भाग गया अपना, मेरे पापा अकेले रह गए थे। तो कभी आपने फिर पुलिस से सुरक्षा की मांग नहीं की कि जब इतना डर था, इतना खतरा था, आप लोगों ने कभी पुलिस से सुरक्षा मांगी कि आप लोगों को डर है? ये शांत पड़ गया था, हमें लगा फिर इसकी शादी वादी हो गई थी। हाँ, हमने कंप्लेंट लिखाई थी, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, फिर उसके बाद इसने भी सब कुछ बंद कर दिया, कोई धमकी वमकी नहीं देता था ना कुछ भी, फिर हमने सोचा ये अपने रास्ते, हमने अपने रास्ते हैं, लेकिन डेट पड़ती थी जो मुकदमा चल रहा था उसकी, तो पापा चाहते थे उसे। तो उस दिन जिस दिन इसने गौरव ने आपके पिताजी पर अटैक किया, उनको गोली मारी, आपने बताया कि आपकी पुलिस के किसी दीवान से बात हुई थी, उन्होंने आपको 112 पर कॉल करने के लिए कहा, फिर आपने 112 पर कॉल किया, क्या पुलिस नहीं आई, क्या बात नहीं हुई आपकी पुलिस से कि ऐसा कुछ हो रहा है, हमारी जान को खतरा है? मैंने 112 पे कॉल नहीं की, मैंने सिर्फ उनसे क्या कहा था, तो सबको यही लग रहा था सिर्फ धमकी दे रहा है, आएगा नहीं,
उन्होंने ये बोला था जब कोई मतलब वहाँ ही आ जाए तो तुरंत कॉल कर देना, 5-7 मिनट में तुम्हारे पास पुलिस पहुँच जाएगी, पुलिस की गाड़ी। अच्छा, तो मतलब ये बताने के बावजूद भी कि वो जान से मारने की धमकी दे रहा है। एक घंटा हुई हमें, एक घंटे की बोल रहा था। मतलब ये बताने के बावजूद भी कि वो जान से मारने की धमकी दे रहा है, वो ये कह रहा है कि एक घंटे में आके तुम्हें जान से मार दूंगा, तब भी पुलिस ने कुछ नहीं किया? उन्हें ये लगा था कि ये बस ऐसे ही धमकी दे रहा है, ये आएगा नहीं, क्योंकि पापा को भी यही लग रहा था कि आएगा नहीं, ये ऐसी धमकी दे रहा है। अब आप क्या सरकार से और पुलिस से क्या अपील करती हैं, क्या चाहती हैं आप? बस मैं यही चाहती हूँ कि बस जैसे मेरे पापा को मारा है इन कुत्तों ने, बस इनको भी वैसी सजा मिले, बस ये भी ऐसे ही मरे। मेरे पापा को बहुत तड़पा तड़पा के मारा है, ये भी ऐसी तड़प तड़प के मरे, सबके सब मरे। बस मेरी बस यही प्रार्थना है, प्लीज। हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं, और जिस स्थिति से आप गुजर रही हैं आपका दुख हम समझ सकते हैं, और हम भी ये उम्मीद करेंगे और अपील भी करेंगे सरकार से, कानून से, पुलिस से, कि इस तरह के जो लोग हैं जो खुलेआम इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं, बेखौफ होकर घूमते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और आपके पिता के जो दोषी हैं, आपके पिता के जो अपराधी हैं, उन्हें जल्द सजा मिले। आप खुद को भी संभालिए, अपने परिवार को भी संभालिए। हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं।